पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत कर रहे हैं। जल पुरस्कार के विजेताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ा रही है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। स्वागत है माननीय केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय केंद्रीय जल संसाधन तथा जनजातीय मामले राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी का तथा सचिव जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा रिजुविनेशन विभाग जल शक्ति मंत्रालय रिस्पेक्टेड श्री पंकज कुमार का। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर 135 करोड़ जुटकर एकजुट होकर दुनिया को बता चुके हैं कि प्रखर नेतृत्व हो तो कैसे एक कर्तव्य अभियान बन जाता है और वो अभियान कैसे जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। हम भारतीय तो इस प्रयाण गीत के अनुगामी है कि धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी जला जला, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, रुके न तू, झुके न तू। न्यू इंडिया के इसी मंत्र को ध्येय मंत्र माना है जय हिंद के हमारे जल सेनानियों ने। जागृति की यही ज्योति एक प्रकाश स्तंभ बन गई है, इसी का प्रतीक है ये दीपक। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय राष्ट्रपति जी आपसे कि कृपया मणि दीपक को जलाकर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों से भी निवेदन है कि कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। देख रही है दुनिया तुमने उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का हृदय से धन्यवाद। और अब हमारा अनुरोध है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे की कृपया स्वागत संबोधन दें। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण एवं जल शक्ति अभियान 2022 के शुभारंभ के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ करने और अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन से जल के क्षेत्र में काम करने वाले देश भर के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए भारत के परम आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के हम सभी आभारी हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे
मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, विभाग के सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न अधिकारीगण कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं तीसरे जल पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत होने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित ही उन्होंने अपने कर्म से, आचरण से और व्यवहार से भारत में जल संस्कृति को एक नई ऊर्जा और चेतना प्रदान की है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उनकी सरकार के प्रयास और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण, जल संचय और जल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। और निश्चित रूप से मुझे इस समय में उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब जन सहभागिता एक जन आंदोलन का रूप लेकर के इस विषय के साथ में जुड़े। राज्यों की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों और वहां की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये दोनों ही राज्य गत वर्ष की सूची में भी पहले तीन स्थानों पर थे और उन्होंने निरंतर अपने स्थान को बनाए रखा है। इसके लिए एक बार फिर उन दोनों ही सरकारों का अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है और जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। अमृत के समान यह तत्व हमारे जीवन को न केवल पोषित करता है, न केवल संचित करता है, अपितु जीवन को जीवत्व भी प्रदान करने का काम करता है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जल की महत्ता को समझा, न केवल समझा अपितु जल के साथ में व्यवहार के लिए निश्चित नियम भी अपनी तरफ से प्रस्तावित किए थे। ऋग्वेद में जल को लेकर के कहा गया है, यंतु मेघे समुत्सृष्टम वारि तत्प्राणिनाद्विजम पूषणात्यो औषधय सर्व जीवानायमृतम हितम। जो जल मेघों के द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप है और वह मनुष्यों के लिए औषधियों का पोषण करता है। अतः हमें जल की, ऐसे श्रेष्ठ जल की स्तुति में विलंब नहीं करना चाहिए। जल को यदि मैं भारतीय दृष्टिकोण से देखूं, तो भारत में निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में अधिक बरसात होती है। बरसात के माध्यम से या बरसने वाली बर्फ के माध्यम से लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें हर वर्ष प्राप्त होता है और उसका जो हार्वेस्टेबल कंपाउंड लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर में से हमारी जो जल संधारण क्षमता सतह पर है वो लगभग 8% के आसपास है। आज हमारी वर्तमान में आवश्यकता जल के विभिन्न उपयोगों के चलते लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, जो 2050 तक बढ़ती हुई आबादी के कारण से और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से 1450 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में
भारत एक ऐसा देश जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वर्तमान में जिस परिस्थिति में खड़ा है वहां से लेकर के वर्तमान में जितना जल उपलब्ध है उस दृष्टिकोण से 2050 की उपयोग को अनुमानित उपयोग को यदि मैं देखूं तो निश्चित ही एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश जिसमें 18% आबादी दुनिया की निवास करती है और लगभग उतनी ही आबादी कैटल पॉपुलेशन की है, उसके सापेक्ष हमें केवल दुनिया के पोटेबल वाटर में से केवल 4% हिस्सा हमें मिला है और इसके साथ साथ में बदलती हुई जलवायु की परिस्थितियां और जलवायु परिवर्तन के साथ कारण से होने वाली चुनौतियां और उसके कारण से बदलते हुए वर्षा के पैटर्न, उसके कारण से भी हमारी चुनौतियां और अधिक बढ़ी हुई हैं। आज जिस तरह का आकलन किया जाता है कि हमारी कुल साल भर में आने वाले पानी का हिस्सा का 50% हिस्सा केवल 15 दिन में होने वाली बरसात के द्वारा आता है और कुल मिलाकर के बरसात के घंटे यदि मैं साल भर के देश में कैलकुलेट करूं जिससे हमें कुल जो पानी का 50% मिलता है वो लगभग लगभग 100 से भी कम घंटों में होता है। उसके चलते आज हमारी जल संधारण की क्षमता और नदियों में एकाएक आने वाले उफान वो हमारे लिए दोनों ही तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए इस दुर्लभ संसाधन को जो सीमित भी है इसे ठीक से सहेजना, सहेजे हुए पानी का ठीक से संरक्षण करना, संरक्षित पानी का ठीक से उपयोग करना और विवेकपूर्ण उपयोग के बाद में भी जो है पानी का रेजिडुअल वाटर का वापस जो है ठीक से उसे पुनः उपचारित करके उपयोग करना, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरणा है कि ये न केवल समय की आवश्यकता है अपितु हमारे लिए अति आवश्यक भी है। जल की अहमियत को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश की प्रत्येक जल की बूंद देश में आने वाली बरसने वाली हमारे लिए अति जो है मूल्यवान है, इस दृष्टि से और जल का ठीक से हम प्रबंधन कर सकें इस दृष्टि से उन्होंने 2019 में ये एकीकृत मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के रूप में बनाया और 2019 में ही जल संरक्षण के इस क्षेत्र में एक नई चेतना का व्याप करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान का सूत्रपात किया था। आज हम तीसरे जल शक्ति अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के अनुग्रही हैं कि उन्होंने हमें समय प्रदान किया है। जल शक्ति अभियान जब 2019 में प्रारंभ हुआ था तो 256 देश के ऐसे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट जो देश के प्रत्येक राज्य में थे उनसे यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और कार्यक्रम के मूल में पूरे मानसून के समय में मार्च से लेकर के नवंबर तक जब रिट्रीटिंग मानसून जिन प्रदेशों में आता है वहां तक इस पूरे कालखंड में हमारे भारत सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण और उनके साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स देश भर के हर एक जिले में जाएं, वहां जाकर के वो जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनका किस तरह से रिजुविनेशन हो सकता है, नई वाटर बॉडीज किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, पानी को रोकने से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई अफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पुनः वनीकरण की गतिविधियों को किस तरह से चेतना प्रदान की जा सकती है, किस तरह से गति प्रदान की जा सकती है और एक पूरा वायुमंडल किस तरह से जल को लेकर के वहां एक नए सोच किस तरह से हर एक जिले में बने, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और जिस तरह के शुभ समाचार और जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम इस अभियान के तहत पहले चरण में मिले ये निश्चित रूप से उसने एक देश में जल के दिशा में एक नई चेतना का सृजन किया। पिछले वर्ष में भी हमने इसे एक नई टैगलाइन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने करकमलों से उनकी उपस्थिति में इसे प्रारंभ किया था जब हमने जल शक्ति अभियान को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां भी बरसात की हर एक बूंद गिरे हम उस हर एक बूंद का संचय करें, जब भी गिरे उसका संचय करें। और इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लाखों अवसंरचनाएं ऐसी जो है वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन रिजुविनेशन की उन पर काम हुआ और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और भारत में एक नई जल चेतना उसके साथ में सृजित हुई। अब आज हम माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस तीसरे चरण को
पूरे देश भर में एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि आज से जो हम शुरुआत करेंगे ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में जल संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही रविवार को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में देश से एक आह्वान किया, नरेगा के काम के माध्यम से जिस तरह से देश में पानी से जुड़े हुए विषयों पर प्राथमिकता से काम की जाने की कल्पना भारत सरकार ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का और देश भर के जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि क्यों न हम इस एक साल में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे तब हम देश के प्रत्येक जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवरों का निर्माण करें, नए सरोवर जहां बन सकते हैं, जहां जल संचय किया जा सकता है, बरसात के जल को रोका जा सकता है, ऐसे नए जो है वो सरोवरों का निर्माण किया जाए, और नए सरोवरों की जहां संभावना न हो वहां गांव में पुराने ऐसे तालाबों को वापस पुनर्जीवित किया जाए, उनको पुनः संरक्षित किया जाए, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट किया जाए ताकि वो आने वाले समय में लंबे समय तक जल संरक्षण का काम उनके माध्यम से किया जा सके। मैं आज आप सबको भी इस पवित्र अवसर पर जब पूरा देश महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रेरणा लेने वाला है, मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से आभासी रूप से जुड़े हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, वो सब लोग आज इस संकल्प को लेकर के यहां से जाएं कि हम आने वाले समय में इस एक साल के कालखंड में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव का कार्य पूरा करेगा तब तक हम ऐसे 75 सरोवरों का निर्माण प्रत्येक जिले में करेंगे, और देश भर में काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले जो है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें पूरे मनोयोग के साथ में जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इस पुरस्कार में राज्यों को, विभिन्न संस्थाओं को, सरकार के विभागों को, एनजीओज को, इंडिविजुअल्स को, जो सभी लोग मिलकर के जल के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को एक पुरस्कृत करके प्रोत्साहित कर लें, और उन्हें प्रोत्साहित करके उनके माध्यम से देश के अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में इस काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के दिशा में एक प्रयास के रूप में पिछले 3 साल से मनाया जाता है, और हम सब लोग ऐसे नवाचार करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं। 2018 से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, जब 25 फरवरी 2019 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के विजेताओं को हमने पुरस्कृत किया था, और ऐसे कुल 14 श्रेणियों में 82 पुरस्कार दिए गए थे। आज हम एक बार फिर इसी तरह 11 श्रेणियों में विभिन्न राज्यों, संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत करने वाले हैं, और आज का ये आयोजन और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पानी के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के देश किस तरह से गंभीर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की के मार्गदर्शन में हम परिवर्तन की दिशा में जो पहल की गई है उस पहल को निरंतरता प्रदान करने के लिए किस गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर उन सारे पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, और निश्चित ही देश भर को इस काम में प्रेरित करने के लिए अपने कृतित्व से जो है प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग एक नए संकल्प के साथ में जुटें, जल संरक्षण के इस अभियान को एक जन आंदोलन का स्वरूप दें, जन जन जल जल के संरक्षण के लिए जुटे, और जन का जल का ये आंदोलन जन आंदोलन बने। एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम जल संरक्षण को लेकर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शिरकत कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो वहां पर जल पुरस्कार के विजेताओं को भी
सम्मानित करेंगे। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि जल संरक्षण को लेकर जिस तरह की जो कवायद सरकार ने शुरू की है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने खुद कहा कि 2019 के बाद से जल संरक्षण को लेकर तमाम कवायदें की गई हैं और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने पहला, राजस्थान ने दूसरा और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं और वैक्सीनेशन को लेकर बात करते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 183,53,00,000 से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 25,92,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस्तांबुल में आज दोनों देशों के बीच फिर से वार्ता शुरू होगी। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को को उम्मीद है कि यह वार्ता सफल होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि उनकी सरकार रूस के साथ शांति समझौते के हिस्से के रूप में एक तटस्थ स्थिति अपनाने को तैयार है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने रूस से सूमी के दक्षिण में स्थित शहर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए शांति बहाली पर जोर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए तुर्की अहम भूमिका निभा रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज एक बार फिर अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने की योजना बना रहे हैं। रूस की TASS समाचार एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। मैक्रों की पुतिन के साथ एक नियोजित मानवीय राहत अभियान के ब्यौरे पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य रूसी सैनिकों से घिरे शहर मारियोपोल से यूक्रेनी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना रूस के हमले का करारा जवाब दे रही है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के बलों ने कीव के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। जेलेंस्की ने अपने ताजा संबोधन में नाटो पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। जेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई जरूरी निर्णय लेने से डरता है तो ये डर इन लोगों को हमारे शहरों की तबाही के लिए भी जिम्मेदार बनाता है। साथ ही जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने की भी अपील की है, जिसमें एक तेल प्रतिबंध भी शामिल है। A full-scale war has begun. Now there are many hints and warnings that sanctions will be tightened, such as an embargo on Russian oil supplies to Europe if Russia uses chemical weapons. It is important for us that sanction packages are effective and serious enough, given what is already being done against Ukraine by the Russian Federation. This is a ruthless war against our nation, against our people, against our children. As of today, 143 children are known to have died. Mariupol remains blocked. Russian troops did not allow any humanitarian corridor to be organized today. They did not allow silence. और वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति वार्ता में घाटे का सौदा कतई नहीं करना चाहिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हमले से कोई लाभ नहीं उठा सकते। ट्रूस ने किसी लंबी अवधि के समझौते को लेकर भी यूक्रेन को सचेत किया। और वहीं इस बीच अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने सूमी के दक्षिण में पड़ने वाले शहर ट्रास्टेनेंट्स को पर फिर से अपना अधिकार कर लिया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन लगातार वापस कई क्षेत्रों पर अधिकार जमा रहा है। और यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने कल ब्रसेल्स में मुलाकात की और यूक्रेन के शरणार्थी संकट पर चर्चा की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद करीब 38,00,000 लोगों ने पलायन किया है। इन मंत्रियों ने इन शरणार्थियों से संबंधित जानकारियां और आंकड़े साझा करने पर चर्चा की। मंत्रियों ने विस्तार से शरणार्थियों की आवाजाही के लिए परिवहन पर भी विस्तार से चर्चा की। चेक गणराज्य में करीब 3,00,000 शरणार्थी पहुंचे, जबकि इसके पश्चिमी पड़ोसी देश जर्मनी ने
यूरोपीय संघ के देशों के बीच यूक्रेनी शरणार्थियों को समान रूप से जगह देने की बात कही। फ्रांस ने भी सभी शरणार्थियों को समान रूप से सहायता मुहैया कराने को कहा है। और यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने भारत समेत कुछ देशों के लिए कोविड 19 यात्रा रेटिंग में ढील दी है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि भारत को लेवल 3 से हटाकर लेवल 1 की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके बाद अमेरिका के लोगों के लिए भारत की यात्रा करना आसान हो जाएगा। वहीं CDC ने कहा है कि उसने भारत के लिए अपनी कोविड 19 यात्रा की सिफारिश को लेवल 3 से लेवल 1 में बदल दिया है। भारत के अलावा CDC ने गिनी और नमीबिया को भी लेवल 1 में डाल दिया है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अमेरिका ने भारत समेत कुछ और देशों को हाई रिस्क वाले देशों की सूची में डाल दिया था। उधर चीन में कोरोना की नई लहर के कारण कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। चीन के व्यवसायी केंद्र शंघाई में बढ़ते मामलों के कारण आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आंकड़ों के मुताबिक शंघाई में बिना लक्षण वाले मरीजों की कुल संख्या चीन के मरीजों की संख्या का 70% है। चीन में बीते दिन 1275 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक वीडियो में बर्फ और कोहरे के कारण 50 से अधिक वाहनों की आपस में उन्हें टकराते हुए देखा गया है। टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों से आग की लपटें और धुआं भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में इस भयानक टक्कर के लिए बर्फ और कोहरे की वजह से खराब विजिबिलिटी को जिम्मेदार बताया गया है। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं, राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हैं। बचाव के लिए बेसिन का प्रबंधन किया गया। इतना ही नहीं, जल नियामक आयोग बनाया गया। 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। इंदौर शहर के भूजल स्तर में शानदार सुधार हुआ। सरकारी मार्गों में वर्षा जल से
कैंप लगाए गए, उन सरकार की बागियों का उद्धार किया गया। ETP, STP तालाब भी बनाए गए।
लिए बेस्ट एनजीओ इस कैटेगरी में विजेता रहा पोस्टल सेल मीटी प्रिवेंशन सेल एंड द बार। 1500 गांव खारे पानी की समस्या से उबारे गए। 1.25 लाख परिवारों की जिंदगी बदली। 55,000 घरों को साफ पानी की सुविधा मिली। 5.5 हजार हेक्टेयर जमीन को साफ पानी मिला। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन कैटेगरी में पांच गचिया NDTWWUA कोगली वेस्ट बंगाल रहा। अव्वल 2014 में वाटर यूजर एसोसिएशन बनी। अब 4 साल में एक ही जगह 3-3 फसलें होने लगी है। सिंचाई का शानदार प्रबंधन हो गया है। सिंचाई सुविधा से अब तो कमाई में इजाफा भी होने लगा है। बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज कैटेगरी में बाजी मारी है ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 16 राज्यों में ITC CSR का विस्तार हुआ। 3.3 लाख किसानों को लाभ हुआ। एक्वीफर रिचार्ज को बढ़ावा मिला। 3000 से ज्यादा वाटर यूजर ग्रुप्स गठित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रपति जी, अब हम आपके बिना मुझे अनुरोध करते हैं कि आप हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। पर जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति जी के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और श्री विश्वेश्वर टुडू जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, पुरस्कार विजेताओं, देवी और सज्जनों, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह और जल अभियान के तीसरे चरण के शुभारंभ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने का तथा जल अभियान के विस्तार द्वारा अपने दैनिक जीवन में तथा पृथ्वी पर जल के महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पूर्ण कार्य माना जाता था। दुर्भाग्य से आधुनिकता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद हम प्रकृति के साथ उस तरह के जुड़ाव से
वंचित हो गए। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। हम स्वयं को उस माता तुल्य प्रकृति से कटा हुआ महसूस करते हैं जिसने वस्तुतः हमें पाला पोसा है। हम यमुना नदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और प्रार्थना करने के लिए यमुनोत्री की कठिन यात्रा तो करते हैं, लेकिन जब हम राजधानी दिल्ली लौटते हैं तो देखते हैं कि वही नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है और हम अब हमारे नगर के जीवन के लिए उपयोगी नहीं रह गई है। साल भर शहरों को पानी उपलब्ध कराने वाले तालाब और जलाशय जैसे जल स्रोत भी शहरीकरण के दबाव में लुप्त हो गए। ऐसे कारणों से जल प्रबंधन अस्त व्यस्त हो गया है। भूजल की मात्रा में कमी हो रही है और उसका स्तर भी नीचे होता जा रहा है। एक तरफ शहरों की जल आपूर्ति के लिए दूर दराज के स्रोतों का उपयोग करना पड़ता है तो दूसरी तरफ मानसून के दौरान शहरों की सड़कें और गलियां पानी में डूब जाती हैं। जल प्रबंधन की इस विडंबना के बारे में पिछले कुछ दशकों के दौरान वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में सक्रिय लोग अपनी चिंता भी व्यक्त करते रहे। भारत में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया, क्योंकि हमारे देश में विश्व की लगभग 18% आबादी है जबकि जल संसाधनों के मात्र 4% स्रोत ही हमारे पास है। जल की उपलब्धता अनिश्चित है और काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। देवी और सज्जनों, जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन के और भी विशाल संकट का एक हिस्सा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ और सूखे की स्थितियां बार बार तथा अधिक गंभीर रूप से उपस्थित हो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे परिवर्तनों के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं जिनका किसानों, महिलाओं और निर्धन वर्ग के लोगों के जीवन पर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आज से 3-4 दशक पहले तक सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी खरीदना नहीं पड़ता था। उसके लिए पेयजल सुलभ था, चाहे वो गांव हो या शहर हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों से वाटर रायट्स के चिंताजनक समाचार भी आने लगे। आज जल संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। जल संकट से जुड़ी स्थितियां धीरे धीरे भयावह होती जा रही हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में यदि विश्व युद्ध हुआ तो भौगोलिक आधार पर नहीं होगा बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करना और अपनी पृथ्वी की रक्षा करना हम सबके समक्ष एक विशाल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने नई सोच और कार्यप्रणाली अपनाई। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव का आरंभिक संकेत दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 2019 में दो मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इस पहल के पीछे भारत सरकार का ये सुविचारित निश्चय है कि जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी प्रदान करना है। देवियों और सज्जनों, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल के सक्षम उपयोग,
जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में सरकार की नीतियों के तहत नदियों का कायाकल्प करने, नदियों की घाटियों के सर्वांगीण प्रबंधन, जल सुरक्षा को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और मौजूदा बांधों का सक्षम उपयोग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। देवियों और सज्जनों, पानी के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ने और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। देवी और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह अभियान इस वर्ष भी 29 मार्च यानी आज से 30 नवंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। इस बार के अभियान में स्प्रिंग सेट का विकास, जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे नए पहलू भी शामिल किए गए। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर जोर देने से निश्चित रूप से जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी। मुझे जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं देश के सभी नागरिकों से और विशेषकर आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अभियान के इस चरण के दौरान प्रमुख गतिविधियों की सफलता हेतु पूरी कर्मठता से अपना योगदान करें। जल संरक्षण के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय जनता को प्रेरित करने में जिला अधिकारियों और सरपंचों को मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आज हम सभी ये संकल्प लें कि जिस तरह इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलाया जा रहा है, उसी प्रकार हम सब इस अभियान को भी इतिहास का सबसे बड़ा जल संरक्षण अभियान बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, मैं जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। राज्यों, पंचायतों, जिलों, स्कूलों, उद्यमों, विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे कार्य को पुरस्कृत करना एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु अनुकरणीय कार्य किए हैं। ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम जल सुरक्षा से युक्त भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। साथ ही मैं विजेताओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि आप सब इसी प्रकार या इससे भी आगे बढ़कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहें और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे पुरस्कारों के बारे में जानकर देश के जन जन के हृदय में जल चेतना का संचार होगा। जल चेतना को जन चेतना से जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है और उपलब्धि भी।
मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों के बल पर सरकार का जल समृद्ध भारत का विजन यथार्थ रूप ले सकेगा। मैं पुनः राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं और इस प्रक्रिया से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हम सबका यह लक्ष्य होना चाहिए कि भारत माता फिर से सुजला होगी और उसके परिणाम स्वरूप सुफला बनेगी। अतः इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने प्रयासों में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद।